राजस्थान के जोधपुर के एक भिखारी का आईफोन खरीदने का ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसमें फटी बनियान और लुंगी पहने एक भिखारी 1.5 लाख रुपए वाला आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदने मोबाइल शोरूम जाता है। पर क्या ये कोई भिखारी है या फिर कोई और, चलिए जानते हैं। जब वो भिखारी आईफोन 15 खरीदने पहुंचा तो उसकी हालत देखकर कुछ दुकानदारों ने तो उसे अंदर आने तक से मना कर दिया, पर उसके बाद एक दुकानदार बड़ा दिल दिखाकर शोरूम में उसे एंट्री दे देता है। भिखारी शोरूम वाले से आईफोन 15 प्रो मैक्स मांगता है और उस मोबाइल के बदले कॉइन से भरी बोरियां दुकान में ही खोल देता है, जिसके बाद दुकान वाले सभी कॉइन्स गिनने लगते हैं। जब गिनती पूरी हो जाती है तो शोरूम का मालिक भिखारी को नया आईफोन सौंप देता है। गाइस, दरअसल ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ताकि ये देखा जा सके कि लोग भिखारी को आईफोन के शोरूम में देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। और वीडियो में ये दिख भी रहा है कि भिखारी असल में एक क्रिएटर है। वैसे गाइस, आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और रास्ते में आपकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो सिर्फ 35 पैसे में लिया हुआ ये इंश्योरेंस कवर आपको 10 लाख रुपए की मदद दिलवा सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल जब भी आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर किसी ऑनलाइन ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो कई लोग बुकिंग करते समय 35 पैसे में मिल रहे ट्रैवल इंश्योरेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस इंश्योरेंस को ले लेते हैं और सफर के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को 10 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। इसीलिए टिकट बुक करते समय ये 35 पैसे का इंश्योरेंस जरूर ऐड करें। और खास बात यह है कि इंश्योरेंस लेने के बाद आपको ईमेल पर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उस पर नॉमिनी को अपडेट करना आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही इस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए दुर्घटना के 4 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के नजदीकी ऑफिस में जरूरी सर्टिफिकेट और क्लेम फॉर्म भरकर जमा करवा दे, जिसके बाद कंपनी की तरफ से नॉमिनी के खाते में मदद दी जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जागरूकता बढ़ सके। हमारे भारत देश की सिर्फ 16 साल की एक लड़की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल करके 100 करोड़ की कंपनी बना दी। कौन है ये भारतीय लड़की और कैसे बनाई इसने 100 करोड़ की कंपनी, चलिए जानते हैं। गाइस, भारत की उस लड़की का नाम है प्रांजलि अवस्थी, जिसे बचपन से ही टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। उसने 7 साल की उम्र में ही कोडिंग सीखनी शुरू कर दी थी। अच्छी बात ये थी कि उसके पिता खुद भी एक इंजीनियर है। 11 साल की उम्र में ही जब प्रांजलि को उसके परिवार के साथ फ्लोरिडा जाना पड़ा तो वहीं पे उसे फ्लोरिडा नेशनल यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जहां प्रांजलि को AI टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। और फिर साल 2022 में प्रांजलि ने डेल्व AI नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। और खास बात यह है कि प्रांजलि को उसी साल 3.7 करोड़ रुपीस की फंडिंग भी मिल गई और आज प्रांजलि की इस कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस कंपनी में AI की मदद से कंटेंट क्रिएशन के लिए लगने वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। छोटी सी उम्र में 100 करोड़ की कंपनी बनाने वाली भारत की इस बेटी के लिए एक हार्ट तो बनता है। क्या नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री गांधी जी की कृपा से बने थे, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं। देखिए, भारत को आजादी देने से पहले साल 1946 में अंग्रेजों ने ये कहा था कि जो कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसे ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसके बाद अप्रैल 1946 में ही कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई और कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस कमेटी के 15 सदस्यों से नॉमिनेशन मांगे गए थे। अब हैरानी की बात यह है कि इस चुनाव में सरदार पटेल को 12 वोटों के साथ बहुमत मिला था और नेहरू को किसी भी सदस्य ने नॉमिनेट तक नहीं किया था, यानी कि नेहरू को देश ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस कमेटी ने भी नहीं चुना था। पर ये बात जब गांधी जी को पता चली तो वो नाराज हो गए और उन्होंने सरदार पटेल को अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए जिद कर ली, जिसके बाद गांधी जी की मर्जी से ही नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जिन्हें बाद में देश का पहला प्रधानमंत्री भी बनाया गया। ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ बल्कि पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है। आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते अगली वीडियो में।